स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन एंड ट्रेवल ऑन ए बजट में। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। तो इसके नाम से ही जैसे आप जान सकते हैं ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बहुत सारे लेक्स हैं। जैसे आप मेरे पीछे भी एक लेक देख सकते हैं। और यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैं इस ट्रिप में घूमी हूँ 3 रात और 4 दिन। तो हम लंदन से निकले थे लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए, बट हम उसके साथ और भी छोटे छोटे जो यहाँ टाउन्स आते हैं वो भी घूमे। तो कौन कौन से थे ये टाउन, ये सारा चीज जानना है अगर आपको, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो अगर आप लंदन से लेक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट विंडरमेयर के लिए ट्रेन मिलेगी। तो लंदन के ह्यूस्टन स्टेशन से विंडरमेयर आप 4 घंटा 18 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो रेल कार्ड होने से आपको कितना डिस्काउंट पड़ता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो टिकट है जैसे 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड का हमें पड़ रहा है £320 लंदन से विंडरमेयर के लिए। तो ये वन वे है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और अगर इसमें मैंने अपना रेल कार्ड यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर डाला है, तो अब आप देखिएगा कि टिकट के प्राइस में क्या चेंजेस होते हैं। तो फिर से अगर हम टिकट प्राइस यहाँ पर चेक करें तो ये हो जाता है £196.95 का। तो अगर ट्रेन से जाएं तो लेक डिस्ट्रिक्ट घूमेंगे कैसे, तो वहाँ काफ़ी सारे टूर्स हैं। पर्सनली मुझे माउंटेन गोट्स के टूर्स बहुत अच्छे लगे थे। वही जगह हम कार से भी घूमने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन कौन सी जगह आपको घुमाएंगे। तो कार वाले और ट्रेन वाले दोनों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप लंदन से लेक डिस्ट्रिक्ट बाई कार जा रहे हैं तो आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। जाते वक्त आप बर्मिंघम एंड ब्लैकपूल में भी थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। आपको होटल्स कहाँ देखने हैं, तो आप विंडरमेयर में भी होटल देख सकते हैं, कैसविक में भी देख सकते हैं, या हमारे जैसे लैनकास्टर में भी आप रुक सकते हैं। तो ट्रिप का आज हमारा पहला दिन है और लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए हम अर्ली मॉर्निंग 8 बजे निकल चुके हैं। और लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हुए आपको मिलेगा बर्मिंघम। तो आप यहाँ रुक सकते हैं, जैसे मैंने स्नोडोनिया की ट्रिप में भी बताया था कि ये यूके का एक बहुत ही सुंदर प्यारा बालाजी का टेम्पल है। तो मेरे आने वाले सारे यूरोप और यूके के व्लॉग्स देखने के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सबको जोरों की भूख लग चुकी थी। तो वहाँ बाहर में एक डोसा का स्टॉल है जहाँ पर आइटम £3.50 का है। तो आप यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बिल्कुल रुक सकते हैं। तो बर्मिंघम से हम अब निकल पड़े हैं ब्लैक पूल की ओर, जहां हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा लंच करेंगे। वैसे हमने घर से ही खाना पैक किया हुआ था। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ब्लैक पूल में। तो अगर आप अच्छे समर में आ रहे हैं तो आप यहां का वाटर पार्क इंजॉय कर सकते हैं। तो यहां काफ़ी बड़ा एक रोलर कोस्टर भी दिख रहा था काफ़ी सारे राइड से, बट वहाँ का एंट्री फीस £50 पर हेड था, जो हमें बिल्कुल भी स्पेंड करने का मन नहीं था। तो हम चल पड़े हैं डायरेक्ट बीच की ओर, जहाँ हमें बहुत अच्छा एक पायर दिख रहा है, जहाँ पर आर्केड भी था जो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। तो हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे थे और उन्हें बहुत सारे वहाँ पर राइड्स करने थे। छोटे छोटे बच्चों के वहाँ काफ़ी सारे राइड्स थे, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जाते ही पहले था आर्केड, जिससे मैं बचना चाहती थी क्योंकि मेरा बच्चा अगर इसमें एक बार गया तो उसमें से निकलना उसका बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम डायरेक्ट अभी उसको इग्नोर करते हुए आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ के जो सारे राइड्स थे रीजनेबल प्राइस के थे, छोटे बच्चों के भी थे, थोड़े टीनएजर्स के भी थे, और हमारे जैसे एडल्ट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ स्कैरी राइड्स थे जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये वाला राइड मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैं ये जाना चाहती थी बट नहीं गई, पता नहीं क्यों नहीं गई। और ये राइड की मैं आपको बात बता रही थी कि कुछ स्कैरी राइड थे, तो ये स्काई फॉल करके एक राइड था। अगर आपको थोड़े एडवेंचर करना है तो आप ये राइड ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। £20 की इसकी टिकट थी, और अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा £10 थे।
तो जैसे मुझे स्कैरी राइड करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो इस टाइप की राइड्स मैंने और कहीं देखी भी नहीं थी और किया भी नहीं था, तो ये एक्सपीरियंस तो मैं मिस कर ही नहीं सकती थी। तो ब्लैकपूल से निकलने के बाद हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं लैनकास्टर में। तो होटल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लैनकास्टर में आपको विंडरमेयर के कंपेयर में चीप रेट में होटल्स मिल जाएंगे। तो आज हमारे ट्रिप का है दूसरा दिन और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े हैं लेक साइड की ओर। तो लेक साइड से हमने क्रूज़ किया है, आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्रूज़ के ऑप्शन कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ आने के पहले आप एडवांस में ही क्रूज़ की बुकिंग कर लें। तो आप बोनेस से लेक साइड या लेक साइड से बोनेस का यहाँ पर क्रूज़ ले सकते हैं। तो हमने एडवांस में ही लेक साइड से बोनेस विथ रिटर्न की टिकट्स बुक कर ली थी। अगर क्रूज़ के साथ आपको स्टीम इंजन का भी एक्सपीरियंस करना है तो आप उसकी टिकट भी साथ में ही एडवांस में बुक कर लें, जिसका रेट कुछ इस तरीके से है। तो पहुंच चुके हैं हम लेक साइड का कार पर, क्योंकि हम गए थे यहाँ लॉन्ग वीकेंड में, इस वजह से पार्किंग खोजने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट पार्किंग मिल गई आखिरी में। तो जब हम गए तो वहाँ से ट्रेन भी निकल रही थी और एक क्रूज़ भी निकल रहा था, तो हम सोच रहे थे हम ट्रेन लें या क्रूज़ लें। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम क्रूज़ पहले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका टिकट जो आपने एडवांस में बुक किया है वो चेक किया जाएगा, और यहाँ एक छोटा सा एक्वेरियम भी है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप ये एक्वेरियम अंदर से भी देख सकते हैं। और यहाँ से आपको अपनी टिकट कलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपने ऑनलाइन बुक किया है। तो क्रूज जो है हमारा वेट कर रहा था बोनस जाने के लिए, और आप यहाँ से व्यू देखिए, इतना ब्यूटीफुल व्यू है, और जो पानी का कलर है शायद इसी वजह से लेक साइड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जो क्रूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको बहुत सारे यहाँ बैठने के चेयर्स मिलेंगे। अगर आप लक्की हो तो आपको विंडो के साइड का चेयर मिल सकता है। तो अब हमारा क्रूज़ चल पड़ा है बोनस की तरफ। तो आप बाय क्रूज़ 40 मिनट में या 45 मिनट में बोनस पहुँच जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट रिटर्न का क्रूज़ था वो 1.5 आवर के बाद था, तो हमने सोचा कि बोनस थोड़ा सा घूम लिया जाए, बट फिर हमने सोचा कि यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करके यहाँ का जो ब्यूटी है वो देखा जाए। तो लेक के किनारे में ही एक पार्क था जहाँ हम बैठ के थोड़े से स्नैक्स खाए। खाने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ आपको पिज़्ज़ा और सैंडविच मिल जाएगा, आप इंडियन खाना यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें। तो बोनस की ब्यूटी देखने के बाद हम फिर से वापस जा रहे हैं लेक साइड की ओर। तो अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का प्राइवेट बोट भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बोट्स हैं, और हमने बाद में यहाँ पर देखा, अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप इसके साइड में भी आकर रेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लेक साइड क्रूज से उतरे, हमारी जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी रेडी खड़ी हुई थी, तो हम जल्दी जल्दी भागते भागते ये ट्रेन पकड़ लिए। फाइनली बैठ गए हम। तो धीरे धीरे ये स्टीम इंजन चल पड़ी है हमारी। तो यहाँ पर जो सीनरीज है वो काफ़ी अच्छे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको ये छोटे छोटे टर्नल्स और स्टीम इंजन बहुत पसंद आता है। तो हम जहाँ रुके वहाँ एक छोटा सा बस प्ले एरिया था, बाकी कुछ देखने के लिए नहीं था। आप अपने टूर में ये स्टीम इंजन वाला टोटली स्किप कर सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा और आप कोई दूसरा लेक भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है तो आप यकीन मानिए लेक डिस्ट्रिक्ट में आपको कार ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप टूर वाले के साथ भी घूम रहे हैं तो भी आपको यहाँ के व्यूज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्टीम इंजन में टाइम वेस्ट होने के कारण हमारे लिस्ट का जो हमें मेन लेक था वहाँ तक हम नहीं जा पाए। तो पास में एक छोटा सा लेक था, हम यहाँ आ गए और यहाँ से हम डायरेक्टली अपने होटल लैनकास्टर पहुँच गए। और आज है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन। अगर मैं आपको ये ट्रिप में एक टिप देना चाहूँ तो ये बताऊँगी कि आप यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट का नाम पढ़कर आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वो इंडियन होगा, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ख़राब था। मैं उसकी जगह आपको बोलूँगी कि आप इटालियन या फिर मैक्सिकन खाना यहाँ पर खाना प्रेफर करें। तो आ जाते हैं हमारे तीसरे दिन के प्लान में। तो अभी हमने सोचा है कि यहाँ से हम एक वाटरफॉल जाएंगे, जिसका हमने गूगल में भी फोटोज एंड वीडियोस देखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये है एयरफोर्स वाटरफॉल। तो वीकेंड कहें या फिर लॉन्ग वीकेंड कहें, आपको यहाँ पर अगर आप कार से आ रहे हैं तो पार्किंग खोजने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, टूर वाले ये जगह नहीं लाते हैं। तो हम चल पड़े हैं अपने वाटरफॉल देखने के लिए।
तो ये वैसे कोई बहुत बड़ा हाइकिंग नहीं है, बट हाँ वाटरफॉल देखने के लिए आपको काफी चलना पड़ेगा। चलते चलते यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज मिला, जो कि मुझे पर्सनली ये ब्रिज ज्यादा खूबसूरत लगा मेन वाटरफॉल से। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि वाटरफॉल कैसा था। तो या तो आप यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से वाटरफॉल देखने जा सकते हैं, या फिर आप वाटरफॉल देखकर यहाँ से रिटर्न आ सकते हैं। तो मुझे अगर बोला जाए तो मैं यहीं पर आधा एक घंटा बैठ सकती थी, इतना अच्छा जगह था ये। तो यहाँ से हम वाटरफॉल इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ कम हैं, बच्चे हैं हमारे साथ, तो हमने सोचा ये रास्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मेन वाटरफॉल था वो ये था, जिसका हमने गूगल में इतने सारे फोटोज़ देखे थे, बट इसका व्यू जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है यहाँ से। और चलते हुए हम वाटरफॉल के एक छोटा सा ब्रिज है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो पहले आप ये वाटरफॉल बिल्कुल फ्रंट से देख सकते थे, जैसे कि हमने फोटोज में देखा था, बट अभी बिकॉज ऑफ सेफ्टी इशू यहाँ बंद कर दिया गया है इसे। तो वाटरफॉल में हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए। अब इसके बाद हम जा रहे हैं एक और लेक देखने, आपको मैं आगे बताती हूँ कि वो कौन सा लेक है। तो हमने फिर से कार पार्क कर दी है, तो अगर आप कोई टूर किए हैं तो टूर वाला भी आपको ये जगह लेकर जरूर आएगा। तो पूरे ट्रिप में मुझे ये जगह पर्सनली बहुत ही पसंद आई। तो अब हम वहाँ से निकल के जा रहे हैं बटरमेर की तरफ, जो कि एक बहुत ही सुंदर सा लेक है और वहाँ वाटरफॉल भी है। चलिए देखते हैं वो जगह कैसी है। तो अगर आप चाहें तो अपना स्टे कैस्विक में भी कर सकते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे लेक जो है पास में हैं, काफ़ी अच्छी सिटी है ये एक। तो यहाँ काफ़ी सारे होटल्स और एयरबीएनबी है, अगर हमें पहले ये आइडिया होता तो हम ज़रूर कैस्विक में रुकते। तो बटरमेर जाते जाते हमने थोड़ा सा सोचा कि हॉनिस्टर पास होते हुए जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सुना है कि ये जो पास है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आप देख भी सकते हैं, जिन लोगों ने भी कहा है उन्होंने गलत बिल्कुल भी नहीं कहा है। और अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, यकीन मानिए ये आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे कार ड्राइव होंगे जो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ अगर आप टूर वाले के साथ भी आ रहे हैं तो आप ये वाला पैकेज ज़रूर लीजिएगा, जिसमें हॉनिस्टर पास एंड बटरमेर हो, क्योंकि जो जगह जा रहे हैं वो तो सुंदर है ही, बट जो इसका सफ़र है ये बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और सुहाना है। तो चलते चलते ही आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है अगर आप पीक समर में आ रहे हैं, जुलाई या अगस्त में, तो ये वाटरफॉल में इतना पानी ना हो, जो कि हमारे फ्रेंड्स ने बताया वो समर में आए थे तो इतना पानी नहीं था। बट हाँ, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ चेक करके ज़रूर आइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो मेरे कैमरे में बैटरी जाने की वजह से मैं यहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं ले पाई, बट यहाँ के ये कुछ खूबसूरत फोटो हैं। तो बटरमेर आप अपने ट्रिप में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो हम जब रिटर्न जा रहे थे, कैस्विक के पास है ये एक सरप्राइज व्यू पॉइंट, तो यहाँ टूर वाले भी आपको लेकर आते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और रियली ये एक सरप्राइज व्यू पॉइंट है। आधे की फोटो खींचो एक। वाओ, और बस वहीं से ही 5 मिनट ड्राइव पर यहाँ पर है एक एशनेस ब्रिज। तो लेक डिस्ट्रिक्ट अगर आप जब भी सर्च करें तो ये ब्रिज जरूर आता है, यहाँ पर टूर वाले भी लेकर आते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी और यहाँ से हम जब लैनकास्टर का होटल देख रहे थे वो 2 घंटे बता रहा था, तो अब हम चल पड़े हैं डायरेक्ट अपने होटल। तो लेक डिस्ट्रिक्ट का ये यहाँ तक का सफ़र हमारा हो गया, अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। तो ट्रिप का आज हमारा 4th दिन है और ये देखिए मौसम। तो 3 दिन भगवान जी ने हम पे थोड़ा सा तरस खा के मौसम अच्छा रखा, बट 4th डे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन था। हमारा यहाँ से प्लान था लंदन जाते हुए पीक डिस्ट्रिक्ट देखने का,
जो कि एक बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। तो हम प्रे कर रहे थे कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए और मैं आपको पीक डिस्ट्रिक्ट भी घुमा सकूं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आपके लिए मौसम अच्छा हो तो आप रिटर्न के टाइम पीक डिस्ट्रिक्ट भी रुक सकते हैं। तो लेक डिस्ट्रिक्ट का 3 रात और 4 दिन का सफर हमारा यहीं पर खत्म होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे।